गाइस फाइनली हम पहुंच गए टांगमार्ग। बर्फ भी है, पैदल चल रहे हैं। हिमाद भाई नीचे देखो बर्फ कितनी है। चीन ना सा लग गया कुछ उस पान मुख्तार अहमद जी पान पर उस पान पर है स्नोइंग हेवीली। आप देखो ना कहां है, आप देखो ना किधर है हम। वाओ वाओ अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यू नो व्हाट बताओ पोपट हो गए। देखो बारिश पहले तो कहां जा रहे हैं हम शाम को? गुलमर्ग जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं गुलमर्ग, क्योंकि एक्चुअली कजन्स फोन कर रहे थे कि हम गुलमर्ग में। यार गुलमर्ग का जो मन बिल्कुल भी नहीं था, क्या करें। कजन्स बोल रहे यार हम गुलमर्ग में, आप लोग भी आ जाओ। ले हमने बोला यार हम पिछली बार गए थे गुलमर्ग, तो आज क्या फिर से जाएंगे। यार उनका दिल भी टूटना नहीं चाहिए। हमने बोला चलो हम हाजिर, हम तो शौकीन है जाने के। देखो साढ़े आठ बज गए भी घर में ही है। अब जाएंगे 8:30 बज गए तो जाएंगे। एक बंदे को उठाना है वहाँ पर, लेकिन निहाल भाई को उठाना है। बात है कि आज होटल करके भाई हट करके आज मुश्किल नहीं है, आज पोपट नहीं हो जाएगा पिछली बार की तरह। जाते पहले निहाल भाई को, चलो जाते उठाते निहाल भाई को, फिर जाते देखते आज का सीन क्या रहता है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूखे हैं, भूख बहुत लगी, कुछ भी नहीं खाया था। सुबह से बहुत बिजी थे। अब मोमो पकड़ेंगे। ये देखो निमी भाई, ये खजे खजे मला इसको घर में, इसको 10 बजे घर आना पड़ता है यार। चलो देखो यार मौसम चेक करो, यहाँ से एक पोपट है, आज बारिश है, बारिश हर बार होती है, हर बार। लेकिन यार है ना भाई, कुछ ना कुछ तो होता है यार। चलो कोई बात नहीं, चलो इसमें प्यार दिखाओ यार, आप एंजॉय करो यार, सब्सक्राइब करो। जो भी चैनल पे नया ना प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। हो गया तैयार तो मिलते हैं आपको, तो मिलते हैं। इसके बाद मोमो खाते हैं, पहले भूख लग गई यार, कसम से बहुत ज्यादा भूख लग गई। तो खाते हैं मोमो, फिर मैं आपको। शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। तो यार मोमो आ गए, गरम गरम सूप, ओह ओह करते हैं एंजॉय। Two inches later. फैमिली मोमो एकदम जबरदस्त है भाई। उसके मोमो ना क्या होते हैं, वाव होते हैं, वाव मोमो है, वाव मोमो। इमरान भाई हाँ, ईद का भी हाँ, ईद का इमरान भाई, इसके मोमो चखना। मोमो विद सूप स्पेशल भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर। तो जाते लेट हो जाएगा फिर। इस मौसम में मोमो, ओहो इस मौसम में मोमो जबरदस्त भाई, स्पेशल। तो जाते फिर लेट हो जाएगा। अब जाते सीधे गुलमर्ग जाते हैं। हम डायरेक्ट अब मिलेंगे गुलमर्ग में। अगर कुछ एक्साइटेड कुछ नॉटी बनती हो गया बीच में तो दिखाएंगे। टांगमर्ग पहुंच रहे हम, लेकिन यार बारिश चेक करो यार, आप देखो ना यार बारिश कितनी है, बारिश बहुत ज्यादा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है यार। मद भाई पहुंचने चाहिए बस, दुआ करो आप लोग यार, पहुंचने चाहिए बस। देखते हैं, कोई चल नहीं रहा है, जबरदस्त भाई। तो फैमिली जाते टांगमर्ग, फिर देखते क्या रहेगा। मेरे हिसाब से पोपट हो जाएगा, देखते क्या हो जाएगा आज का। आपसे शेयर करेंगे, बातें करेंगे आपसे आज। तो गाइस अभी टांगमर्ग का आधा ही सफर है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन बर्फ देखो, बर्फ चेक करो, विदाउट चेन प्रॉब्लम हो रही है, क्या करे। इंशाल्लाह पहुँचेंगे। वाओ यू जस्ट सी दिस स्नो, ब्यूटीफुल गाइस। फाइनली हम पहुँच गए टांगमर्ग, बर्फ भी है, पैदल चल रहे। हिमाद भाई नीचे देखो बर्फ कितनी है। तो ये बंदा हमें चेन देगा, चेन लगाते गाड़ी को, फिर जाते हैं गुलमर्ग। वहाँ तो हट बुक है हमारी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बर्फ जो है गिर रही थी ना, आप देखो
उसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही थी। चेन वाला अपना ही बंदा है तो टंगमग में ये चेन देगा, फिर लगाते चेन फिर जाते। लेकिन थक बहुत गए, हालात देखो आप क्या है यार, पोपट हो गया आज। समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ पोपट क्यों होते हैं। ओह इमाद भाई और दूसरा बंदा निहाल भाई नीचे गाड़ी में। ओहो सन चुस बहुत शतवर बुढ़तीस चाहे मैं वाला वह क्या करो। देखो थार वार फंस चुकी है यहाँ पर। One eternity later. Finally, चेन लगा रहे अब। तीन चार घंटे के बाद 12:30 बज गए यार। ये इस बंदे की मेहरबानी है यार, शुक्रिया भाई जान से। क्या सचिव नाम है भाई? मुख्तार अहमद। नीच लगे जरूरी टंग मार्ग नीच चेन, जबरदस्त नफर छो खुदा सुंदी कसम। चोन एहसान वाला गश ना मैं जहां मशीद, अल्लाह तला थे सेहत। बर्फ देखो यहाँ से, ओ माई गॉड। हमारा होटल ना वहाँ पर नज़दीक ही है, लेकिन देखो बर्फ। विदाउट चेन क्या करते हैं हम। ये बंदा निकल गया हमारे लिए रात के 10:30 बजे। यार आई लव यू। देखो कोई भी नहीं है, खाली हम है। निहाल भाई बता, हमें टंगमर्ग जाना है, क्यों इधर रखा? नहीं नहीं टंगमर्ग स्टे करेंगे ना, रिस्क नहीं लेने का भाई, रिस्क नहीं लेने का बेटा। ये जो बोल रहा है इधर ही बैठो, गेस्ट हाउस में बैठेंगे। मसला हो गया, चेन लगा की थी, पता नहीं चेन कहाँ पर गिर गई है, किसी को पता नहीं चला चेन कहाँ पर गिर गई है। लेकिन यार आप देखो ना है किधर है हम, चेन पता नहीं किधर गिर गई। तीसरी चेन मुख्तार साहब ने साथ उठाई थी, फिर क्या हम करते। आप देखो ना बर्फ क्या है। मुख्तार साहब का घर है यहाँ पर, इसी को छोड़ने गए थे, लेकिन पता नहीं चेन कहाँ गई। چین آسان لگت بس پان مختار احمد پان پریش بس پان پریش مختار صاحب چین کت گئی چین گت گئی کت और भाई पहले आपको पता है गाइस टाइम देखो ना टाइम हम चल रहे थे के घर पहुंच गए। समझ नहीं आ रहा है कि चेन कहां गई। ओह माय गॉड या ये हां पुतिया हां पुत ये बस आप मुख्तार साहब हां पुत माई टाइम क्या है इसका अर्थ लगा चेन मुख्तार साहब वहां क्या खसो इस गुलमार्ग गया था गोड़े वो पोपट क्या चुप ना रामत मक्तर रामत मिशा चीन बराबर मैं मत छेन वही ये चीन अल्लाह ताला थे सेहत हाँ और जान दौर कट थे नहीं बस वाला चौन एहसान रोजने में गश्न में जहां मशीद खुदा सुंद कसम अल्लाह ताला करने हाँ आबाद करने अल्लाह ताला बस मगर अमुक अजर दी चे अल्लाह ताला जल्दी इंशाल्लाह नियर रब सवाल। तो गए जाते हैं यार। गाइस व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट स्नोइंग, दिस इज यार व्हाट इज दिस, दिस इज अल्लाह का कुदरत। फैमिली आप देखो ना किधर है हम। फैमिली यार गाइस लुक एट दिस स्नो यार, रात के 1 बजे भाई टाइम दिखा भाई रात के 1 बज गए भाई। वाओ दिस इज कॉल्ड द वंडरलैंड एडवेंचर एडवेंचर। This is brothers in frame. Yeah. जो रात के 1 बजे चलते हैं इस मौसम में इस बर्फ में और इस गाड़ी कलीजा होना चाहिए भाई कलीजा कलीजा सॉरी सॉरी कलीजा कलीजा सॉरी यार कलीजा। Two hours later. तो फैमिली हम गुलमर्ग नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि लेट बहुत हो गया। अब देखो बर्फ कितनी है। तो हमने यहीं पर अब टंगमर्ग में होटल किया दीवान के नाम से। ओह माय गॉड दिख ही नहीं रहा है कुछ, बर्फ है ना बहुत। तो आराम फरमाएंगे वहीं पर क्योंकि रिस्क नहीं लेने का, फजूल में रिस्क लेना है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगे। चेन हो या ना हो आप देखो कितनी है बर्फ है, मुश्किल है भाई। देखो इमाद भाई भी आ रहे। इमाद भाई
क्या कर रहे हो यार, तुम दिख ही नहीं रहे हो यार। तो गाइस फाइनली रूम मिल गया हमारा, जरा दिस इज अवर रूम, चेक दिस। पहले ही रूम में एंट्री किया था क्योंकि सामान वगैरह लाया था, मैंने सोचा आपको दिखाऊं रूम कैसा है। ये बेड दो है, इमाद भाई और निहाल भाई सो गए। यहाँ पर टीवी शीवी ज़बरदस्त रूम है। अब कपड़े सुखा रहे, जो गीले थे ना कपड़े वही सुखा रहे, गर्मी करेंगे फिर सोएंगे क्योंकि लेट बहुत हो गया भाई। तो इमाद भाई सोते हैं ना, लेट हो जाएगा ना, तो सोते फिर मिलते कल आपसे, ठीक है ना। टेक केयर, दुआओं में याद रखना, फिर देखते कल क्या रहेगा। डे टू, गुड मॉर्निंग दीवान वैली। ओहो दो प्यासे अमर भाई। ओ इमाद भाई क्या हाल है, कब उठे? 7 बजे। जल्दी जल्दी निकलते हैं फिर, फिर परसों की तरह प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो निकलते हैं जल्दी जल्दी से भाई। ओह माय गॉड, तो कैसे आप सब लोग? आई विल शो यू सम समथिंग डिफरेंट, विल शो यू व्यू। Look at this view. This is Divan Valley. Wow. Beautiful. तो चेकआउट जल्दी जल्दी से, लेट हो जाएगा क्योंकि आपको तो पता ही है पिछली बार की तरह फिर रश लग जाते, फिर पहुंच नहीं पाते, गुलमर्ग तो जाते, वहां तो हमें ऑलरेडी बुक हट है, टेंशन नहीं है। तो जाते सामान वगैरह उठाते हैं, निकलते हैं। तुम निकलते हैं भाई। ओह लुक एट दिस व्यू यार। भाई शुक्रिया हाँ, बकारे से फोन चला ठीक है। बेरा बस सवाल। Awesome. Thank you sir. साइड से हमने होटल बुक किया था, आप देखो इस साइड से तो अच्छी प्लेस थी, देखो। तो फाइनली गाड़ी निकाली। ये क्या था, पागल इंसान? ये पागल इंसान था, पागल ही नहीं है, बेवकूफ। तो चलो खैर करो एंजॉय व्यू को, देखो। पहले चाय पीते हैं ना, कल के 1 बजे खाना खाया है बस, फिर कुछ नहीं खाया यार। निहाल भाई बहुत भूख लगी है, चाय पीना है? चलो भाई जो भी मिलेगा वो पीऊंगा। चल मगर कुछ तो ना। मोमेंट्स लेटर से मुख्तार अहमद को बुलाया गया। मुख्तार अहमद नींद कैसी आई? जबरदस्त अच्छी आई। वन तो मेहरबानी करी चेन टाइट गंडित, बाकी सहल इस गस वात, बाकी सहल। फैमिली जा रहे हैं हम गुलमर्ग की तरफ। भूल जानी पड़ेगी। चलो मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग। तो अगर आपको किसी भी रीजन से व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, टेक केयर। जो भी चैनल पे नया प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट कम। चलो टेक केयर, मैं यहीं से करता हूँ पार्ट 2 स्टार्ट इस गुलमर्ग का। चलो बाय बाय।